तिलक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गर्मा गर्म चाय के साथ खाकरा खाने का मजा ही कुछ और है। अभी समाचार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर, कल तक फ्यूरिसक मैं हूँ लाइव, और आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि महंगाई की लिस्ट में नींबू का नाम भी शामिल हो चुका है, और लोग इसकी बढ़ती कीमतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। नींबू जो रेस्टोरेंट में खाने के साथ यूं ही अक्सर दे दिया जाता था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, आज उस नींबू की कीमत आसमान छू रही है। वो नींबू जो आपके घरों में, आपके फ्रिज में, कई होटल की टेबल पे यूं ही कोने में पड़ा रहता था, वो नींबू जिस पर लोगों की नजर तक नहीं जाती थी, आज उस नींबू को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई। ये साधारण सा नींबू आज अपनी बढ़ी हुई कीमतों की वजह से बहुत ही खास हो चुका है। बोल, एक छोटे से नींबू ने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। कोरोना के समय में कई लोगों ने दवाइयों की कालाबाजारी की, ठीक उसी तरह से अब लोग नींबू की कालाबाजारी कर रहे हैं। तो आइए आम जनता से जानते हैं कि उनकी जिंदगी पर बढ़े हुए नींबू के दाम से कैसे असर पड़ा। नींबू के बढ़े हुए दामों की वजह से हम सबकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि ये तांत्रिक बाबा की जिंदगी पर बढ़े हुए दामों से कैसे असर पड़ा है। बाबा जी, मैं रीटा रिपोर्टर हूँ कल तक से, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बढ़े हुए नींबू के दाम से आपकी जिंदगी पर कैसे असर पड़ा है। मेरा नाम है भगोड़ी भूत बाबा, भूत भगाने का काम करता हूँ। बाबा जी एक मिनट, यहाँ पर ना आप अपनी पब्लिसिटी मत कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि नींबू के बढ़े हुए दामों से आपकी जिंदगी पर कैसे असर पड़ा है। ओ, नीम क्रीम चावंदार चौक, हट! अरे नींबू के वजह से ही तो मैं बेरोजगार हुआ हूँ। नींबू की वजह से आप बेरोजगार कैसे हो सकते हैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता कि भूत प्रेत को भगाने के लिए सबसे आवश्यक सामग्री नींबू है, और उसे मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से भूत को भगा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बेरोजगार हो गया हूँ मैं। ओ, इसका मतलब तो बाबा जी भूत प्रेत के तो आजकल मजे हो रहे होंगे। और नहीं तो क्या, जबरदस्त पिकनिक कर रहे होंगे। प्रशासन भूत प्रेत फ्री देश चाहता है तो बस नींबू के भाव कम कर दे, वरना प्रत्येक आदमी के अंदर दो दो आत्माओं का वास होगा। तो देखा आप लोगों ने कि एक छोटे से नींबू की वजह से कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो नींबू जो भूत प्रेतों को भगाने में मदद करता था, वो नींबू जो लोगों को बुरी नजर से बचाता था, आज ना जाने उस नींबू को किसकी बुरी नजर लग गई है। मैम आपको क्या लगता है कि इस नींबू के भाव कभी कम होंगे या नहीं? मैम मुझे तो लगता है इस बार एक किलो नींबू की कीमत एक महीने के राशन के बराबर होगी। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? भाई साहब ये क्या हो गया आपके साथ? मैडम मेरी टी शर्ट पे बड़े बड़े नींबू के डिजाइन बने थे, ये नींबू के दीवाने लोग, नींबू महंगा होने के कारण नींबू खरीद तो पा नहीं रहे हैं। मेरी टी शर्ट से सारे नींबू के डिजाइन फाड़ के ले गए अपने घर पे, अब बताइए मैडम मैं क्या करूँ? तो देखा आप लोगों ने कि जो लोग नींबू नहीं खरीद पा रहे हैं वो किस पागलपन की हद तक आगे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऐसी कोई भी टी शर्ट पहनी हो जिस पर नींबू का प्रिंट हो तो घर जाएं और उस टी शर्ट को कहीं छुपा कर रख दें, वरना आपका हाल भी इस आदमी के जैसा हो सकता है। ये छोटे से नींबू की वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आने लगे हैं। आइए अब कुछ ठेले वालों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। अब भैया जी ये ठेला आपका ही है? जी मेरा है। अच्छा तो हमें ये बताइए कि छोटे से नींबू की वजह से आपके बिजनेस पर कैसे असर आया है? अरे एक छोटे नींबू की कीमत तुम क्या जानो रीटा मैडम, नींबू की बढ़ती महंगाई से हमारा हर डिश महंगा हो गया, कोई खा ही नहीं रहा, इस नींबू ने तो हमको मुसीबत में डाल रखा है। सुना आप लोगों ने? मैडम एक बात सुनो, ऐसे हम नींबू को बाहर रख नहीं सकते वरना चोरी हो जाएगा, नींबू को छुपाने के लिए हमने एक लॉकर बना रखा है, ये देखिए। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि नींबू को सुरक्षित रखने के लिए अब लोग लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं ये छोटा सा नींबू अब बड़े बड़े कैसे कैसे रंग दिखाएगा। 12 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपया, 14। तो देखा आप लोगों ने कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस तरीके से सामान की बोली लगती है, क्रिकेटर्स की बोली लगती है, ठीक उसी
की तरह से अब इस छोटे से नींबू की बड़ी बड़ी बोली लगाई जा रही है। देखते हैं कि आखिर ये नींबू आज कितने रुपए में बिकेगा। 25 रुपए, 25 रुपया, 30 रुपए, 30 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया एक, 50 रुपया दो, 50 रुपया तीन, ये नींबू आपका हुआ। थैंक यू यार। एक बात बताइए, ये आपने छोटा सा नींबू 50 रुपए में क्यों खरीदा? क्या ना मैडम, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन माँ नहीं है। सॉरी। नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेरी माँ मेरे भाई के पास रहती है, और वो छोटा भाई है ना, वो हमेशा मुझे धौंस देता है कि मेरे पास माँ है। वो क्या है ना, तेरी माँ को नींबू बहुत पसंद है, जो मेरा भाई अब अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इस महंगे नींबू की वजह से ना मेरी माँ मेरे पास रहेगी और मेरा भाई को मिलेगा ठेंगा। तो देखा आप लोगों ने कि आज जिसके पास पैसा है उसके हाथ में नींबू है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके हाथ में कुछ नहीं है। पता नहीं अब गरीब लोगों को नींबू देखने और छूने के लिए कब मिलेगा। नींबू के दाम अब आसमान छू रहे हैं। ये हल्का सा नींबू गरीबों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब नींबू सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। क्या गरीब लोगों को इसका रस चखने को कभी नहीं मिलेगा? आखिर फिर गरीबों को विटामिन सी मिलेगा कहाँ से? ये नींबू तो इतने महंगे हो गए हैं कि बेचारे लोग गर्मी में नींबू पानी भी नहीं पी पाएंगे। सुनने में आया है कि अब कुछ शादियां भी नींबू की वजह से टूट रही हैं। जी हाँ, एक खबर के अनुसार एक लड़के वाले परिवार ने लड़की वालों के परिवार से दहेज के रूप में नींबू की डिमांड की। उन्होंने कहा कि लड़की वालों को लड़के वाले के घर हर महीने 5 किलो नींबू 1 साल तक भेजने होंगे, और लड़की का परिवार ये शर्त अफोर्ड नहीं कर पाया, इसलिए लड़की ने उस लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। सरकार को अब जल्द से जल्द एक नींबू कमीशन बिठानी चाहिए, जिसके द्वारा ये पता लगाना चाहिए कि आखिर नींबू के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। क्या इसके पीछे काला बाजारियों का हाथ है या फिर किसी विदेशी ताकत का? आखिर हमारी रिक्वेस्ट सरकार से सिर्फ इतनी ही है कि सरकार जल्द से जल्द नींबू के दामों पर लगाम कसे और आम आदमी नींबू का स्वाद फिर से चख पाए। ऐसी और सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहिए कल तक। तनी ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में नींबू हाफूस आम के दाम में बिकने लगेंगे। मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नींबू के दाम जल्द से जल्द कम कर दे। कर रहे हैं आप? सोसाइटी का हिसाब किताब कर रहा हूँ माधवी। तो सोसाइटी का काम बाजू में रखिए और बिजनेस पे ध्यान दीजिए। किसका बिजनेस? ओ, अपने अचार पापड़ के बिजनेस पे। क्यों, क्या हुआ? गोपाल जी का फोन आया था। कौन गोपाल जी? वो दमन के रंग तरंग रिजॉर्ट के मालिक गोपाल जी। अरे हाँ, क्या हुआ, क्या बोले? उन्होंने 50 किलो का नींबू के अचार का ऑर्डर दिया है। 50 किलो के नींबू का अचार का ऑर्डर? कांग्रेचुलेशंस माधवी, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? टेंशन दिख रहा है। हाँ तो कपड़ा और आठे दिखते हैं तुझे। 30,000 रुपए दीजिए। आते? आला ना टेंशन, इसलिए कपड़ा और आठे। अरे लेकिन तुम्हें 30,000 रुपए क्यों चाहिए? वो नींबू का अचार बनाना है, 50 किलो नींबू, माल मसाला, पैकिंग, कुरियर। अरे तो 50 किलो नींबू के अचार के लिए इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? नींबू का दाम पता है आपको? हाँ होगा ना, 100-125 रुपए किलो होंगे। गया वो जमाना कब का, 250-300 रुपए किलो मिल रहे नींबू अभी। अरे बाप रे, लेकिन अभी माधवी 30-35,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? एक तो मंथ एंड है और तुम तो जानती हो मंथ एंड में बैंक बैलेंस की हालत क्या होती है। तो मना कर दूं उनको? मना ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमने इन्वेस्ट करके अचार बना भी दिया और उन्होंने मना कर दिया लेने से। तो नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने गारंटी दी है वो अचार खरीदेंगे हमसे। नक्की? हाँ हाँ। नहीं क्या है, क्योंकि नींबू के भाव बढ़ गए तो उसी हिसाब से अचार के भी भाव बढ़ेंगे। नहीं नहीं,
वो उन्होंने अभी फोन पे मुझे बता दिया है कि भले ही दाम बढ़े हो लेकिन हम लोग ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास नींबू खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मीका मिंटे मना ही कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मना कैसे कर सकते हैं माधवी, उन्होंने गारंटी दी है ना, तो मना करना अच्छा नहीं लगता। एक तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, अगर हमने पूरा नहीं किया तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा ना। और दूसरी बात है, गोपाल भाई ने ऑर्डर दिया, इतने बड़े रिजॉर्ट से हमें ऑर्डर मिला है, अगर हमने अभी मना कर दिया तो आगे से ऑर्डर देंगे नहीं देंगे पता नहीं ना। दिया है इस पर नींबू के पैसे कहाँ से आएंगे, ये उनसे एडवांस लिया तो? नहीं 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 माधवी, इसे पहला ही ऑर्डर है तो एडवांस मांगना अच्छा नहीं लगता। बराबर है मड़ा, हमारा कितने पार्टियों से पेमेंट आना बाकी है, उनसे ले लेते हैं ना पैसे। जरा चेक करा बगा, इसमें गाला स्टोर से 2500 बाकी है, छेड़ा सेठ से 3000 बाकी है, कांजी सेठ के 20000 बाकी है और कृष्णा शेट्टी के 25000 बाकी है। अरे बाप रे, कांजी भाई और कृष्णा भाई का इतना बैलेंस जमा है कैसे? अरे पिछले 6 महीने से पेमेंट ही नहीं किया इन लोगों ने। तो बस, तो फिर इनसे पैसे ले लेते हैं, हमारा खर्चा निकल जाएगा। अरे देना चाहिए ना माधवी, कोरोना के बाद तो इन्होंने पेमेंट देना ही बंद कर दिया है। जब भी मैं पैसे मांगता हूँ तो 2-3 हजार रुपए दे देते, फिर चुप बैठ जाते। आप अभी फोन करके उनको रिक्वेस्ट कीजिए, बरा पैसे अभी के अभी दे दीजिए करके। कैसी रिक्वेस्ट? ठीक है आप रहने दीजिए, मैं फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, फोन करने से कुछ नहीं होगा, उनके जाके सर पे खड़ा रहना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे, मैं जाके आता हूँ। नींबू नींबू जी कब हो गया? जब से उनके दाम आसमान छू गए तब से नींबू नींबू जी हो गए। रिस्पेक्ट से नाम लो उनका बाबा। कितना भाव बढ़ गया है नींबू का। मत, लोग नींबू जी को हल्के में लेते थे, दूसरी सब्जियों के मुकाबले भाव ही नहीं देते थे, तो नींबू जी ने अपना भाव खुद ही बढ़ा दिया। अमीरों का शौक हो गया नींबू अभी। अभी तो लोग नींबू मिलने के लिए मन्नत मांग रहे हैं। बोलो काहे सांगते आई, नींबू का दाम इतना बढ़ गया है वो। ओ अच्छा, अभी नींबू जी को छोड़ो, ये देखो मैंने आप दोनों का फेवरेट कांदा पोहा बनाया है। चलिए अभी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है ठीक है सर। बैठिए। सरद दिख रहा है? अभी मुझे जल्दी से टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। अच्छा ही बना। वाह वाह। सुनो ये क्या है? गाइस वाला अच्छा नहीं बना बाबा। नहीं वो है अच्छे, लेकिन इसमें नींबू कहाँ है? नींबू चाहिए ना इसपे। माधवी नींबू क्यों लेना? तो आपको पता है ना नींबू नहीं है घर में, नींबू के दाम कितने बढ़ गए हैं। अभी आप ना नींबू के बिना काम चलाना सीख लो। नहीं खाई तो तुपाशी, नहीं तो उपाशी। अभी जाता हूँ मार्केट में, पहले पेमेंट कलेक्ट करता हूँ, फिर नींबू खरीदता हूँ, इस पे निचोड़ता हूँ, फिर खाऊंगा पोहे। छान लगता है नींबू शिवाय, मस्त वाले नींबू के साथ ही खाने वाला हूँ। हम आई थे पढ़ लो। कुछ भी हो जाए कांजी सेठ और कृष्णा शेट्टी से पेमेंट लेकर ही रहूं। साहब लगा दूं स्कूटर पे। अरे भाई साहब सकाराम बोलो। अरे सकाराम साहब लगा दूं स्कूटर पे। अरे मेरा नाम सकाराम नहीं है, स्कूटर का नाम सकाराम है। अच्छा 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 साहब, तो आपके सकाराम पे कीमती नींबू मिर्ची का नेकलेस पहना दूं? नहीं बाबा नहीं, बहुत महंगा होगा। अरे कहाँ साहब, 10 रुपीज ओनली। कितने? ओनली 10 रुपीज सर। तो कमाल है, मार्केट में नींबू इतने महंगे बिक रहे हैं और तुम नींबू और मिर्ची 10 रुपए में दे रहे हो। हाँ साहब। तो भाई कहाँ से मिले इतने सस्ते नींबू? अरे साहब ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाते हैं, ये तो सस्ते नींबू है। वाह 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 कविराज। कविराज नहीं रविराज है। रवि रविराज नाम सर मेरा। ओ अच्छा अच्छा, तो रविराज जी ये नींबू कहाँ से मिले भाई, मुझे भी बहुत सारे खरीदने हैं, जरा क्वालिटी दिखाना। अरे साहब अरे दिखाओ ना भाई दिखाओ। वाह वाह वाह, ये तो मिर्ची असली नींबू नकली है, प्लास्टिक का नींबू है। अरे साहब ये सब नजरिए की बात है, आपकी नजर में ये नींबू प्लास्टिक का है, हमारे लिए तो ये नींबू असली नींबू है।
वही रंग है, वही रूप है, एकदम नींबू जैसा है। देखिए वो बराबर है, लेकिन लोग बुरी नजर से बचने के लिए नींबू मिर्ची लगाते हैं ना, वो भी असली वाला। तुम तो नकली बेच रहे हो। हाँ तो असली वाला ले लो साहब, 40 रुपए का एक है। दूं? ये 40 रुपए का ये साहब, 40 रुपए से कम में मेरे को परोड़ेगा नहीं साहब। साहब वैसे एक बात बोलूं, असली नींबू लगाने का कोई फायदा नहीं है, पार्किंग में चोरी हो जाएगा। हाँ वो तो है, इसलिए कह रहा हूँ सेठ जी नकली वाला लगवा लो, आपको असली लगेगा। अब आपको भी तो असली लगा था ना ये, तब आपको सेठ समझेंगे साहब, कहेंगे देखिए तो कहते सेठ आदमी, इतना महंगा नींबू मिर्ची लटका कर स्कूटर पर जा रहा है, तो लगा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे सकर पे कोई नकली चीज नहीं लगेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, थैंक यू साहब। आपकी मर्जी साहब, थैंक यू। अरे भिड़े जी आप? हाँ मैं दुकान पे गया था, पता चला आप घर पे, तो यहाँ पे आए। आइए आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? अरे खांजी सेठ, आपको इतनी बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया, बीच में दो तीन बार दुकान आके गए, आप मिले नहीं। मेरा पेमेंट बाकी है ना 20,000 रुपया, वही लेने आया हूँ। भिड़े जी आज पेमेंट नहीं हो पाएगा, 10 दिन के बाद पक्का मैं पेमेंट दे दूंगा। और 10 दिन बाद? भिड़े जी आपको तो पता है मंदी चल रही है, इस बार कैसे भी एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी सेठ, इतने समय से एडजस्ट तो कर रहा हूँ ना, अभी क्या है, मुझे जरूरत है, मुझे बड़ा ऑर्डर पूरा करना है, और अपना अमाउंट भी तो बड़ा है ना, तो पेमेंट मिल जाता तो मेरा टेंशन दूर हो जाता। भिड़े जी मैं समझ सकता हूँ, इस बार आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, मैं फंसा हुआ हूँ। ठीक है अभी क्या बोलूँ, आप भी फंसे हुए तो चलता। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप इतने टाइम के बाद आए हैं तो नींबू पानी पी के जाइए। नींबू पानी? वाह कांजी से, अभी आपने बोला कि मंदी चल रही है पर अभी आप नींबू पानी पिलाने की बात कर रहे हो। पता है ना आजकल नींबू पानी पीना अमीरों का शौक हो गया है, सिर्फ अमीर ही पीते हैं महंगा नींबू पानी। महंगा? कितना भी महंगा हो भिड़े जी, मैं आज आपको नींबू पानी पिलाऊंगा, आप बैठिए मैं लेके आता हूँ। बैठिए। ये क्या लेके आप कांजी सेठ? आपने नींबू पानी बोला था, मैं ये नहीं पीता। भिड़े जी ये शक्कर नमक वाला पानी है, ये आप पी लीजिए, इसके बाद मैं ये इंजेक्शन में नींबू का रस भर के आपको लगा दूंगा, ये दोनों पेट के अंदर जाके मिक्स होके नींबू पानी बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नींबू पानी, नींबू वाला इंजेक्शन। अरे भिड़ी जी मैं मजाक कर रहा हूँ, आप देखिए ये रहा नींबू, ये रहा, चार बूंदों वाला नींबू पानी। बैठिए और आराम से पीजिए। इतना सा नींबू पानी बैठ के आराम से पीऊं? कहा है कांजी सेठ? मजा आया ना? हाँ हाँ, देखा आपने कितनी मंदी है। आपको पता है मैं चाय पानी पीता नहीं, सिर्फ नींबू पानी पीता हूँ, मगर नींबू इतने महंगे हो गए हैं ना, ये स्टाइल में नींबू पानी पीना पड़ता है। नहीं समझ सकता हूँ, चलो चलता हूँ। वैसे ये नींबू के दर्शन कराने के लिए और नींबू पानी पिलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखिए आधा पेमेंट हो गया नींबू पानी पिला के। नहीं 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 कांजी सर, पेमेंट तो मैं पूरा ही लूंगा, भले 10 दिन के बाद दो लेकिन पेमेंट पूरा लूंगा। हा? अरे हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ भिड़े जी, चलिए चलता हूँ। ओके भिड़े जी, अभी कृष्णा शेट्टी आपकी उम्मीद है, वहाँ से पैसे मिलने ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिले तो? नहीं नहीं नहीं, आप आराम, पॉजिटिव सोचो, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी में एक और सुबह की शुरुआत धूम धड़ाके के साथ हो गई, आपको तो मजा आ गया होगा। यही तो खासियत है गोकुल धाम सोसाइटी के, जो छोटे छोटे खुशनुमा हसीन पल है ये आपको हंसाते हैं गुदगुदाते हैं, और यहाँ जो
मिलता है स्नेह, प्यार, हंसी, मुस्कुराहट और कहीं संभव नहीं है। इसीलिए तो आप सालों साल ये साथ निभाते रहे हैं और इन हसीन पलों को, इन खुशनुमा पलों को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ यहाँ चले आते हैं। इतने वर्षों का ये नाता, इसीलिए आपका परिवार हमारा परिवार और गोकुलधाम का परिवार आपका परिवार बन गया है। तो सुबह की शुरुआत तो धूम धड़ाके से हो चुकी है, तो देखिए यहाँ रात तक क्या होगा। भाई कमाल होने वाला है। एक राज की बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे 440 वोट का झटका लगेगा। यानी कि कुछ गड़बड़, कुछ कमाल, कुछ हंगामा। क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।